हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नेहा और आज मैंने आपको रिव्यू देने के लिए ये वीडियो बनाई है। रिव्यू है कैमरा स्टैंड कह लो या कैमरा स्टिक कह लो। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मिला है इसमें। मेरे को एक मिला है कि एक कैमरा स्टैंड, और इसमें अपना फ़ोन लगा के आप कहीं भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं इसको और इसको रख सकते हैं कहीं पर भी, वीडियोस अपनी या कुछ भी आप देख सकते हैं आराम से रख के इसको। अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी। इसको ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी, जैसे आपको कंफर्ट लगे कैसे भी आप रख सकते हैं इसको। ये मुझे इसके साथ फ्री मिला है, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कैमरा होल्डर या फ़ोन होल्डर कह लो इसको। और हमारे को मिला है इसके साथ ये कैमरा स्टिक, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये पोर्टेबल है तो काफ़ी अच्छी और हैंडी है। ऐसे ये जो इसका स्क्रू है इसको टाइट और लूज़ करना पड़ता है, उसके बाद ये ऐसे खुल जाती है। अब हम अपना फ़ोन जो है इसमें मैं अटैच करके दिखाती हूँ। ये फ़ोन ऐसे ही छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये फ़ोन अपने हिसाब से आप इसमें अटैच कर लें, जितना बड़ा भी आपका फ़ोन हो अटैच हो जाएगा इसमें। और ये एक लीड होती है इसके साथ में, जो इसके अंदर जो सॉकेट होता है फ़ोन में, जिसमें हम ईयरफोन वगैरह लगाते हैं, उसमें आप इसको लगाएंगे तो आपका जो फ़ोन है उससे आप अपनी कोई भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसमें बटन दिया हुआ होता है, मैं दिखाती हूँ आपको एक बटन। ये बटन है, इसको दबा कर आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं और इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे जिस एंगल पे आप चाहते हैं, तो ये इजीली फोल्ड हो जाता है। इसमें ये नॉब दी हुई है, इसको खींचने से ये आप बड़ा हो जाता है, एडजस्ट आप कर सकते हैं जितना मर्जी, जैसे आप चाहें, जिस एंगल पे हैं आप थोड़ा उठा कर कैसे आप फोटो ले सकते हैं। तो मैंने इसको कर लिया छोटा और मैं दिखाता हूँ ऐसे फोल्ड हो जाता है ये बैक साइड में आएगा फोल्ड शायद, हाँ। और लूज करके आप इसको रख सकते हैं। ये मैंने लिया है डिगी मेट से, और इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बैक साइड में कि कैसे आपको इसको अनबॉक्स करना है और कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो मैं बता रखा है कि कैसे कैसे इसको असेंबल करना है और कैसे कैसे ये एडजस्ट होगा, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और साथ में इसमें दी हुई है 3 मंथ की वारंटी, ये 3 मंथ की वारंटी इसमें दी हुई है। इसका प्राइस जो दे रखा है दोस्तों वो है ये 499 इसका प्राइस दे रखा है, पर मैंने इसको ऑफ़र में लिया है तो मेरे को ये सस्ता पड़ा है। मुझे ये पड़ा है ओनली 149 का। तो दोस्तों ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये फ्री है, फ्री चीज़ें हम इंडियंस को कुछ ज़्यादा ही पसंद आती हैं, तो ये होल्डर इसमें फ्री मिला है। तो ये भी देखिए थम्सअप कर रहा है, तो मैं भी इसको थम्सअप कर रही हूँ और इसको देती हूँ मैं 10.10। तो दोस्तों ये आप ज़रूर मंगाएं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डिगी मैट का है, ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, डिगी मैट का है, मैंने शॉप क्लूज से मंगाया है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, जो बिगनर्स हैं जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते अपनी वीडियोस के लिए, वो इस सेल्फी स्टिक को मंगा के अपना काम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ज़रूर ये ट्राई करें फ्रेंड्स, और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, अगर जो मेरी वीडियोज़ में कमी लगती है प्लीज़ आप ज़रूर बोलिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे और अच्छी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ब्लॉग बना रही हूँ आगे, तो आगे अपने घर वालों को भी शेयर करूँ, आप मतलब बताऊँ आपको कि कैसे मैं रहती हूँ, कैसे मेरा रहन सहन है, क्या है। तो अगर आप इसके लिए एग्री हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे रहती हूँ, मेरे घर वाले कौन हैं,
या मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपके बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। सबको जितने भी ब्लॉगर्स हैं या कुछ है, सबसे पहले ऑडियंस चाहिए देखने के लिए, तो मुझे भी ऑफकोर्स चाहिए, मैं बिगनर हूँ तो सब बिगनर्स के लिए है वीडियो और मैं भी एक बिगनर हूँ तो बिगनर्स को चाहिए सपोर्ट आपका सबका। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, बाय।